हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगी स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में होने वाला है उससे रिलेटेड। उसमें जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बालकों और महिलाओं से संबंधित जो कानून है या उसमें क्या पुलिस की भूमिका रहती है, तो उससे संबंधित जो टॉपिक है वो राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है और नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें 28 पेज की वो पीडीएफ है जिसमें आपको पूरी डिटेल से बताया गया है कि बालकों और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आने की संभावना है और उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो हम सर्च करते हैं सबसे पहले दोस्तों इसमें गूगल में राजस्थान पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लिखेंगे राजस्थान पुलिस लिखेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर वाली टैब पे ही आपको क्लिक करना है। इसमें जो नीचे वाले अलग अलग वेबसाइट है बहुत सारी, आपको एजुकेशनल जॉब्स की जो वेबसाइट है उन पर नहीं जाना है, आपको केवल जो राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है और इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना है, ये आपको नहीं भूलना है। तो वेट करते हैं, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद हम देखते हैं। तो दोस्तों ये पीडीएफ हमारे सामने आ चुकी है, राजस्थान पुलिस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और इस वेबसाइट में आपको एक इधर आप देखोगे स्टेट न्यूज़ में, तो सबसे ऊपर जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है बालकों एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी व पुलिस की भूमिका, तो इस टॉपिक से रिलेटेड 4 या 5 प्रश्न आने की संभावना है एग्जाम में। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल ना छोड़ें और इसको आप अगर 28 पेज ही हैं आप इनको समझ लेंगे तो मुझे लगता है 2 या 3 पेज में इसके नोट्स आप बना सकते हैं आसानी से घर पर, शॉर्ट नोट्स, और इसके माध्यम से आपके ये 4 या 5 क्वेश्चन राइट हो सकते हैं पूरी तरीके से। इसमें कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा है नहीं और नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा डिटेल से भी इसमें कानूनों को नहीं दिया गया है। आपको कोचिंग्स में भी शायद पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, कौन से टीचर पढ़ाएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकाल दें, इसके बाद इस पीडीएफ को मैं समझाने का आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण कानून के शब्द होते हैं दोस्तों, जैसे FIR कब दर्ज की जाती है, कब दर्ज नहीं की जाती है, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट क्या होती है, किस प्रकार से पुलिस में जो ये पीड़ित होते हैं बालक या जो महिलाएँ हैं उनके द्वारा किस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उस रिपोर्ट पर क्या एंडोर्समेंट किया जाता है पुलिस के द्वारा, किस स्थिति में पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, कैसे अनुसंधान करती है, फिर उसके बाद में जो उसकी फाइनल रिपोर्ट होती है, अंतिम प्रतिवेदन होता है, वो कोर्ट में किस प्रकार से दायर किया जाता है, फिर कोर्ट उसमें क्या प्रोसीडिंग करती है और कोर्ट के पास क्या अधिकार है उस अंतिम प्रतिवेदन पर कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, उसके बाद अपीलांट कोर्ट क्या होती है, जो बेसिक जो जानकारी है कानून के बारे में मैं वो आपको 10 या 15 मिनट के एक वीडियो में आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस पीडीएफ को सही से समझ पाएंगे कि मजिस्ट्रेट क्या होता है, IPC क्या है, CRPC क्या है, IPC और CRPC में क्या अंतर है, ये सारी जो चीज़ें हैं, मेजर एक्ट हैं, माइनर एक्ट हैं, स्पेशल कोर्ट्स क्या होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं 10 या 15 मिनट की वीडियो में आपको समझा दूंगा। ये चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी काम आएगी, बहुत ही यूज़फुल रहेगा वो वीडियो आपके लिए और एग्ज़ाम में तो काम आएगी ही, और वो वीडियो आपको इस PDF को समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन पर, तो एक PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। ये PDF हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो रही है PDF। अभी जो ये PDF खुली दोस्तों, ये 28 पेज की PDF है, राजस्थान सरकार की पुलिस के द्वारा ये वेबसाइट पर डाली गई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले, इससे बाहर क्वेश्चन आपके जाने की संभावना नहीं के बराबर है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये CRPC है, इसके बाद में बहुत सारे वर्ड आएंगे आपको, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इनके अलग अलग धाराएँ हैं, ये किस प्रकार से आपको याद करनी है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स में भी आपको बताऊंगा, जैसे दहेज निषेध अधिनियम है 1961 का, उसमें किस प्रकार से सीधे पुलिस में आप एक रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं या फिर कोर्ट के थ्रू ये किस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज होती है, और आगे आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जैसे मजिस्ट्रेट क्या चीज़ होती है और ये जो ये अलग अलग एक्ट किस प्रकार से बने हुए हैं और इनकी सुनवाई का अधिकार किस कोर्ट को होता है, पुलिस किस प्रकार से इनमें अनुसंधान करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और
सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो पर पुलिस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो डाउनलोड किए जाएंगे और आप उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद।